तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आज हम आपको लेबर डे के ऊपर पेंटिंग बनाना सिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप। लेने हैं और आप देख सकते हैं चार ही कलर हैं और ब्लैक कलर आपको ऐड कर लेना है इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी। तो पहले आपको रेड कलर लेना है, इस प्रकार आपको रेड कलर लेना है पहले। आपको रेड कलर अप्लाई करना है पेज पे। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? गाइस अभी आपको ऑरेंज कलर इसे मिक्स करना, मतलब ऊपर इसके अप्लाई करना है। तो अब नीचे मिक्सिंग हो जाएगी, रेड और ऑरेंज की मिक्सिंग सिंपली हो जाएगी आपकी। तो चलिए अब ऑरेंज कलर को ऊपर की ओर करते हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? तो आपको सिंपली अब ऑरेंज येलो कलर ले लेना है, उसमें थोड़ा सा ऑरेंज मिक्स कर लेना है जिससे थोड़ा डार्क हो जाए। अब आपको अप्लाई करना है यहाँ पे और मिक्सिंग करनी है, ऑरेंज और येलो की मिक्सिंग करनी है आपको यहाँ पे। तो आप आराम से मिक्सिंग कीजिए। तो आपको सिंपली बिल्कुल लाइट वाला येलो ले लेना है, लेमन येलो। अब आपको इसकी डार्क येलो की और लाइट येलो की मिक्सिंग करनी है यहाँ पे। अब आपको बाकी ऊपर बचे पेज पर यही येलो लाइट येलो जो है ऐसे ही अप्लाई करना है आपको। तो देखिए आपको मैं दिखा रहा हूँ, ऐसे अप्लाई कीजिए इस पर, मतलब ऊपर की ओर।
तो आप देख सकते हैं ये पूरे पेज पे, मतलब मेरा पूरा पेज हो गया है, बैकग्राउंड हो गया मेरे पूरे पेज का। तो आप देख सकते हैं आपको भी इस प्रकार ही बनाना है। मैंने यहाँ पे ड्राइंग बना ली है पेंसिल से, अब आप इसमें देख के बना सकते हैं। अब इसमें हम ब्लैक कलर अप्लाई करेंगे तो कुछ इस प्रकार से। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। आपको धीरे धीरे इसमें ब्लैक कलर लगाना है, मतलब पूरे उसमें, मतलब जो भी आपने बिल्डिंग की जो शेप दी है ना, इसमें पूरी बिल्डिंग में मतलब कि आपको ब्लैक कलर अप्लाई करना है। हैं नीचे क्या, तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी ऊपर इसमें और अप्लाई करते हैं हम। तो देखिए आपको इस तरह सिंपली करना है, बिल्कुल आराम आराम से। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। देखिए हमारा भी कंप्लीट होने वाला है। आपको ऐसे सीधे सीधे ब्रश से ऐसे अप्लाई करना है इनको, ये लोहे की वो हैं सरिये। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। ऐसा आप देख सकते हैं हमारी ये बनकर रेडी हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं जहाँ तक मेरा वो है अच्छी बनी है। और आप यहाँ पे शेडो भी दे सकते हैं, मतलब साइड में थोड़ी सी डार्क कर सकते हैं इसके साइड से।
अब हमारा ये फाइनल हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो कमेंट शेयर सब कुछ कर दो यार इस पर।